नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है News24HR में। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की कुछ चुनिंदा बड़ी खबरें। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अब तक देश में कोरोना के मरीज कितने हो गए हैं। दोस्तों, अब तक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 54,85,612 हो गई है और राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों की संख्या भी 43,92,650 हो चुकी है और वही अभी 10,04,274 संक्रमितों का इलाज चल रहा है, जबकि 87,909 की मौत भी हो चुकी है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हर दिन की तरह लेटेस्ट खबरों का सिलसिला। आइए जल्दी से जान लेते हैं प्रमुख 10 खबरें। दोस्तों, हंगामा करने वाले 8 सांसदों पर गिरी गाज, एक हफ्ते के लिए निलंबित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र का आज 8वां दिन है। रविवार को राज्यसभा में हंगामा करने वाले विपक्ष के 8 सदस्यों को सभापति वेंकैया नायडू ने एक हफ्ते के लिए सदन से निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि सभापति ने यह कार्यवाही डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, राजीव सातव, के रागेश, रिपुन बोरा, डोला सेन, सैयद नजीर हुसैन और अलामरम करीम के खिलाफ की है। इसके साथ ही राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को भी सभापति ने खारिज कर दिया। दोस्तों, महाराष्ट्र में हादसा। थाने में भिवनी में 3 मंजिल इमारत गिरने से 10 की मौत, एक बच्चे को बचाया गया, 20-25 लोगों के फंसे होने की आशंका। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ठाणे स्थित भिवड़ी में सोमवार तड़के एक 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। अभी भी मलबे में 20-25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। स्थानीय लोगों ने 20 लोगों को बाहर निकाला। NDRF की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। मलबे से एक बच्चे को निकाला गया। दोस्तों, आज की पॉजिटिव खबर, मेरठ की गीता ने दिल्ली में 50,000 रुपए से शुरू किया बिजनेस। 6 साल में 7 करोड़ रुपए टर्नओवर, पिछले महीने यूरोप में भी एक ऑफिस खोला। दोस्तों, मोदी के 6 मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कृषि बिल के विरोध में हंगामे पर राजनाथ ने कहा, राज्यसभा में जो हुआ वह राजनीतिक स्वार्थ साधने की कोशिश, वादा MSP खत्म नहीं होगी। उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी, मुंबई से त्रस्त लोगों को चाहिए सिनेमा का नया शहर और आधुनिक जीवन की सुविधाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार चुनाव के ऐलान से पहले सौगातों की बारिश, PM से CM तक कर रहे हैं परियोजनाओं का शिलान्यास। खुलासा, 12 सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ की धोखाधड़ी, SBI में सबसे ज्यादा मामले। दिल्ली NCR में 23-24 को बारिश के आसार, इस महीने बहुत कम हुई बरसात। सीमा विवाद, भारत चीन के बीच कमांडर स्तर की 6ठी बैठक आज। दोस्तों, अब जान लेते हैं बड़ा फैसला, PG मेडिकल के विद्यार्थियों को 3 माह करनी ही होगी मरीजों की सेवा। UP में आज से नहीं खुलेंगे स्कूल, कोरोना के बढ़ते मामलों ने फिर लगाया ब्रेक। दोस्तों, उद्धव आदित्य ठाकरे और सुप्रिया सुले की बढ़ सकती है मुश्किलें, चुनाव आयोग ने कहा झूठा हलफनामा दिया। दिल्ली में दरिंदगी, महिला टूरिस्ट गाइड के साथ होटल में सामूहिक दुष्कर्म, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। दोस्तों, यौन शोषण पर कंगना रनौत का बड़ा खुलासा, कहा हीरो मुझे अपने रूम और वैन में ले जाते, दरवाजा बंद। दोस्तों, आपको बता दें कि कंगना रनौत ट्विटर पर लगातार सक्रिय रहती है। उन्होंने पायल घोष का समर्थन करते हुए खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में उनके साथ कई अभिनेताओं ने दुष्कर्म करने की जैसी कोशिश की थी। कंगना रनौत ने ट्विटर पर यौन शोषण के अनुभव को साझा करते हुए बताया कि अभिनेता अपने रूम, वैन और पार्टी में उनका शोषण करने की कोशिश करते थे। दोस्तों, अगर आप भारत के रहने वाले हैं तो नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, मैं आपके लिए नई नई खबरें हमेशा लाती रहूंगी। मेरी हर खबर देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।